निकली उसके साथ। उत्तम मिश्रा चुनाव हार गए गृह मंत्री, और आज सागर से जो खबर आ रही है 1830 वोटों से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पीछे चल रहे हैं। अभी बिलहरा का जो इलाका है वो खुला है, इसके बाद सुर्खी का इलाका खुला है। अब तकरीबन 5 से 6 राउंड बचे हैं और 1830 वोट से गोविंद सिंह राजपूत पीछे चल रहे हैं। नीरज शर्मा यहां से चुनाव में आगे चल रहे हैं। निर्णायक बढ़त की ओर 24,000 के तकरीबन वीरेंद्र जो है लम्बड़दार लोधी बंडा से निर्णायक बढ़त लगभग जीत की ओर है, और 68,000 के तकरीबन जो है गोपाल भार्गव है, 35,000 के तकरीबन जो है भूपेंद्र सिंह नगरी प्रशासन मंत्री हैं। बीना पीछे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, बाकी गोविंद सिंह राजपूत पीछे चल रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है, नरसिंहपुर जो जिला है वो क्लीन स्वीप है। बहुत सारे ऐसे हम देख रहे थे कि चंबल में बहुत अच्छी पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी स्टैंड हुई। ग्वालियर की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। दतिया से हालांकि बुरी खबर रही, वो हार गए चुनाव, लेकिन इसके बाद नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए। लेकिन इसके बाद अगर तस्वीर देखी जाए तो मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी है। 136 सीटें अभी आगे चल रही है, बाकी जीत चुकी है, टोटल 166 सीटों पर आगे चल रही है, एक 2/3 बहुमत की ओर अग्रसर है, और निश्चित तौर पर बड़ी जीत लाडली बहना की इसमें भूमिका रही है। मध्य प्रदेश के चुनाव में 2003 में भी अमूमन यही तस्वीर थी, हालांकि इससे बढ़ के सीटें आई थी, लेकिन 2003 का ही शायद ये चुनाव रहा। भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि हमारे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन कमलनाथ दिग्विजय सिंह ये दावा करते रहे कि नौकरशाही इनके खिलाफ जा रही है, इनके खिलाफ जो है आवाम है, इनके खिलाफ जनता है। लेकिन चुनाव परिणाम जब आए तो ऐसा नहीं लगा कि इनके खिलाफ कोई जनता है। लाडली बहनों के साथ जो है तमाम जो है लोगों ने इनको वोट दिया। 137 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 30 सीटें जीत चुकी है। इस हिसाब से 167 सीटें जो है पर लगभग 167 सीटें आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की। अब अगर हम तस्वीर पूरे संभाग की देखें तो 19 से 20 सीटें बुंदेलखंड में मिली हैं, छतरपुर मैं जो बहुत अच्छी पोजीशन में रही, हालांकि टीकमगढ़ जिला कमजोर रहा। यहाँ यादविंद सिंह चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं टीकमगढ़ से। वहीं खरगापुर विधानसभा जहाँ उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी जो राज्य मंत्री हैं वो चुनाव लूज करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद हरिशंकर खटीक जो है वो बढ़त बनाए हैं। इसके अलावा नितेंद्र राठौर जो निवाड़ी से स्वर्गीय बिजेंद्र सिंह राठौर के जो पूर्व मंत्री रहे उनके बेटे रहे वो जरूर कांग्रेस से आगे चल रहे हैं, लेकिन निवाड़ी प्रॉपर की अगर बात करें तो अनिल जैन वहां से लगभग बढ़त बनाए। यही हाल पन्ना का है, पन्ना में पबई और गुनौर और पन्ना तीनों क्लीन स्वीप किए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में बिजेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीते हैं। वहीं प्रहलाद लोधी जो है वो पबई से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं, जबकि गुनौर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस लिहाज से दमोई पन्ना टीकमगढ़ को छोड़ दिया जाए, निवाड़ी में एक सीट भाजपा को मिली है और छतरपुर में भी तकरीबन जो है चल रही। लेकिन सागर जिले से बड़ी खबर है जहां गोविंद सिंह राजपूत लगातार पीछे चल रहे हैं, और अभी 2-3-4-5 राउंड बचे हैं। अभी जो लीड है वो आपका जो इलाका है, अभी बिलहरा का जो इलाका है, जैसे बिलहरा की जो पट्टी है उसके कुछ पोलिंग स्टेशन है, इसके बाद फिर सुर्खी है, और निर्णायक जो पोलिंग स्टेशन है वो है मोकलपुर, जो बड़ी पोलिंग है। सुर्खी और मोकलपुर अब दो बड़ी पोलिंग बची हैं, जहां से अब देखना है कि 1830 की जो लीड है वो कैसे पटा पाते हैं। फिलहाल चुनाव बेहद रोचक है, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत सागर की सुर्खी विधानसभा से लगातार